दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरमन चैनल को और प्रेस कीजिए इस घंटे को ताकि आप देख पाए हमारा वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आपको मैं आज बताऊंगा कि सीबीएसई की जो रिजल्ट है वो ऑफिशियल साइट से कैसे चेक की जाती है अपने मोबाइल से। आपको किसी कैफे में जाने की ज़रूरत नहीं है या किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अधिकतर लोगों को पता है कि सीबीएसई की जो रिजल्ट है वो सीबीएसई की साइट से ही चेक होती है, पर लेकिन सीबीएसई की साइट की फेक बहुत सी बनी होती है। तो चलिए मैं आपको आज बिल्कुल सही से चेक करने का तरीका बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे को जरूर दबा देना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। तो वीडियो को लाइक कर दो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दबा दो बगल वाले घंटे को ताकि आप देख पाओ हमारा वीडियो सबसे पहले। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जनरली आप अपने ब्राउजर का इस्तेमाल करना, किसी भी यूसी ब्राउजर या क्रोम ब्राउजर किसी का भी, और उसके बाद आपको क्या सर्च करना है जो कि फेक वेबसाइट ओपन ना हो, आपको जो सीबीएसई की ओरिजिनल वेबसाइट है वो ओपन होना चाहिए। तो आपको मैं गूगल में सर्च करना है, मैं आपको बता देता हूँ आपको cbse.nic.in पे करना है। उसके बाद आपको जो पेज खुलेगी डायरेक्ट रिजल्ट के पेज पे लेके जाएगी, वो मैं देख सकते हैं बहुत सारे ऊपर में आ गई, पर आपको ओरिजिनल जो है ये वाला ही होगी। आपको cbse.nic.in पे आपको टोटल जो सीबीएसई की इंफॉर्मेशन होती है वो मिलती है, और आपको अगर रिजल्ट जनरली सिर्फ देखना है तो आपको यहाँ पे वेबसाइट जो है वो cbse.result.nic.in है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये क्लिक होके आपको जब जब जो भी रिजल्ट सीबीएसई के द्वारा एग्जाम जो कंडक्ट की जाती है उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे कि जेई मेन्स का रिजल्ट, ये पेपर वन का रिजल्ट आ चुका है 30 अप्रैल को, और उसके बाद 2 जनवरी को भी कुछ रिजल्ट आई थी। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ, बता देता हूँ, ये मंथ के लास्ट तक या फिर जून के फर्स्ट वीक में ये आपको रिजल्ट 10th और 12th की मिल जाएगी। तो यहीं से आप चेक कर लीजिएगा। ये जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऑफिशियल लिंक, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट सीबीएसई के साइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो ये एक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल था इसलिए मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि और सब वीडियो तो रोज़ बनाता हूँ इसलिए मैंने सोचा कि एक स्टूडेंट के लिए वीडियो बना दूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे को जरूर दबा दे, और मैं आपको जब रिजल्ट आ जाएगी तो मैं एक वीडियो आपको जरूर बना के दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपका सीबीएसई में नंबर कम आया है तो आप रीचेक के लिए कॉपी को कैसे अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे आपको क्या करना है, सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।